good morning student in maths class we started chapter one number system okay in which we have the according place value second face value and uh, third of the expanded form from of the indian system okay and explain to you uh, and today i we will read and explain to international system ओके okay, तो लेट्स स्टार्ट क्लास अभी तक मैंने आपको इंडियन uh, सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको मैंने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था और मैं आज आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग यही चीज़ को फिर से बताऊंगी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है ठीक है जैसे मैंने आपको फर्स्ट uh, में इंटर uh, क्या बोलते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाकर दिखाया था प्लेस वैल्यू का मतलब एक चार्ट बना था वैसे ही होता है इंटरनेशनल सिस्टम का भी अपना एक चार्ट होता है वो भी हमेशा राइट right से स्टार्ट होता है फ़र्स्ट में क्या रहता है वंस पीरियड रहता है सेकेंड में रहता है थाउजेंड पीरियड रहता है और फोर्थ थर्ड में रहता है मिलियंस पीरियड और प्लेस वैल्यू में क्या था वन सी था थाउजेंड था बट यहाँ क्या था लैक था और इंटरनेशनल में ये मिलियंस हो जाता है आपके में खाली मिलियंस है इसके आगे बिलियंस भी होते हैं बट आपका मिलियंस है तो खाली हम लोग मिलियंस तक पढ़ेंगे ठीक है और इसको भी ना तीन पीरियड्स में बांटा गया सबसे पहले आता है वन टेन हंड्रेड उसके बाद आता है थाउजेंड फिर आता है टेन थाउजेंड फिर आता है हंड्रेड थाउजेंड वैसे ही आता है मिलियंस टेन मिलियंस और यहाँ आएगा हंड्रेड टेन मिलियंस ओके तो आपको सबसे पहले याद करना है इसे फर्स्ट में क्या आता है सबसे स्टार्ट कहाँ right से होता है राइट से होता है ठीक है तो सबसे पहला क्या होता है वंस होता है फिर थाउजेंड होता है फिर मिलियंस होता है इसको अच्छे से याद कर लो इसको याद करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हमको दिक्कत क्या होता है पढ़ने में दिक्कत होता है तो हम सबसे पहले पढ़ के देखेंगे अभी जैसे यहाँ पे लिखा है फोर थ्री टू तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे इसे कैसे पढ़ेंगे सबसे पहले हम इसको चार्ट के थ्रू बैठाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा वंस आएगा टेंथस आएगा फिर हंड्रेड आएगा तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे फोर हंड्रेड थर्टी टू ठीक है अब ऐसे ही सेवन जीरो टू है तो हम इसमें फिर से कैसे करेंगे वंस टेंस हंड्रेड बट क्या इसमें ज़ीरो बीच में अगर जीरो साइड में होता तो उसका अलग ही मीनिंग होता तो अभी हम इसे कैसे पढ़ेंगे सेवन हंड्रेड टू ठीक है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे बैठ चार्ट के अकॉर्डिंग बैठाएँगे वंस tens हंड्रेड बट ये स्टार्टिंग में क्या है ज़ीरो ज़ीरो है तो ज़ीरो का आ, क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में कोई वैल्यू होता है क्या नहीं होता है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे इसे हम ओनली नाइन पढ़ेंगे और वैसे सेवन फोर का तो ये वंस और टेंस हो गया तो इसे कैसे पढ़ेंगे सेवेंटी फोर ठीक है अब आपको पढ़ना तो यहाँ तक समझ आ गया होगा अब आता है कॉमा लगाने की बारी ठीक है हमने इंटरनेशनल सिस्टम में क्या देखा था हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में थ्री नंबर्स के बाद कॉमा लगता है फिर टू टू नंबर्स के बाद कॉमा लगता है बट आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे भी क्या है थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ठीक है तो इसीलिए आपको इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसमें थ्री नंबर्स के बाद ही कॉमा लगता है जबकि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था फर्स्ट में थ्री पीरियड्स में इसमें बांटा गया था डिवाइड किया गया था बट बाद में टू टू दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इसलिए बाद के दो डिजिट में क्या लगता था कॉमा लगता था बट यहाँ पे क्या इंटरनेशनल सिस्टम में सभी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया तो आप ऐसे याद रख सकते हो थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगता है यह आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था मैं सेकेंड एग्जाम्पल का भी आप बताती हूँ ठीक है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग वन टू थ्री वंस टेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड कॉमा फिर क्या मिलियंस टेन मिलियंस बट यहाँ पे क्या हंड्रेड मिलियंस नहीं है इसीलिए यहीं पे आपका कॉमा क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है ठीक है आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा अब हम इसे कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं वो देखते हैं ठीक है देखिए ये क्या था ये तीन पोर्शन क्या, क्या, क्या कहलाएंगे हमारे वंस कहलाएंगे ये थ्री पोर्शन क्या कहलाएंगे थाउजेंड कहलाएंगे ठीक है और ये पोर्शन क्या कहलाएंगे हमारे मिलियंस कहलाएंगे ठीक है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे इधर क्या लिखा है आपका टू थ्री तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे ट्वेंटी 23 थ्री क्या है ये मिलियंस 23 मिलियन ये क्या है 400 हंड्रेड फोर सॉरी फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड के बाद क्या आएगा फिफ्टी फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स क्या होगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी सिक्स क्या होगा थाउजेंड ठीक है अब आएगा इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे एंड एट हंड्रेड एट हंड्रेड नाइन्टी वन ठीक है आपको अब समझ आ गया होगा इसे कैसे पढ़ते हैं अब हम इसको सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ते हैं ये क्या है आपका देख लीजिए ये हमारा वंस है या हमारा क्या है थाउजेंड पीरियड है और ये हमारा क्या है मिलियन है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे आप लोग बताइए मेरे साथ बोलेंगे क्या बोलेंगे फोर्टी सेवन मिलियन फोर्टी सेवन मिलियन यहाँ जीरो का कोई वैल्यू होगा क्या जीरो बाद में लगता है तो उसका वैल्यू होता है फ्रंट के वैल्यू का जीरो का कोई मीनिंग नहीं रहता है तो यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे ट्वेल्व ट्वेल्व थाउजेंड यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, नहीं है इसलिए हंड्रेड नहीं आया डायरेक्ट क्या आ गया ट्वेल्थ थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन ओके तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि इसे कैसे पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे मैंने आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग चार्ट को समझा दिया उसमें कॉमा कैसे लगता है वो बता दिया और मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया ठीक है अब आता है नेक्स्ट आपका फेस वैल्यू आपके बुक में दिया है अब आपका आता है फेस वैल्यू मैं आपको पहले सब कुछ समझा दूंगी फिर आपके बुक्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना है आपको ठीक है यहाँ पे क्या दिया है फोर फाइव सिक्स कॉमा वन फाइफ नाइन तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये किसके अंडर में आता है ये वंस पीरियड के अंडर में आता है और ये किस में आता है थाउजेंड पीरियड्स के अंडर में आता है ठीक है ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है ठीक है लेकिन ये सेम ही होता है बस आपको पढ़ने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किसके नीचे खींचा हुआ है सिक्स के नीचे सिक्स के नीचे खींचा हुआ है तो इसका मतलब क्या है हमारा फेस वैल्यू क्या होगा हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा सिक्स ठीक है अब हमें प्लेस वैल्यू निकालना है प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन होता है उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने ज़ीरो लग जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्लेस वैल्यू में सिक्स लिखेंगे उसके बाद कितने ज़ीरो है वन टू थ्री हो गया आपका ठीक है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कितने डिजिट के कितने डिजिट के बाद लगता है कॉमा थ्री डिजिट के बाद ठीक है अब आता है आपका सेकेंड नाइन फोर फाइव टू ज़ीरो फाइव ये भी क्या हो गया आपका वंस हो गया और ये क्या हो गया आपका थाउजेंड पे रेडी हो गया लेकिन इसमें फ़ोर क्या होगा आपका फ़ेस वैल्यू कौन सा होगा किसके नीचे अंडरलाइन है यहाँ पर फोर के नीचे अंडरलाइन है तो आपका ये हो गया फेस वैल्यू क्या हो गया फोर हो गया अब इसका प्लेस वैल्यू क्या निकले निकालेंगे तो जो अंडरलाइन है नंबर उसको सबसे फर्स्ट में लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर से उसको काउंट करते हैं तो वन टू थ्री फोर तो कितने हैं वन टू थ्री फोर तो इसमें भी अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमा कितने नंबर्स के बाद लगेगा थ्री नंबर्स के बाद क्योंकि ये भी क्या है इंटरनेशनल सिस्टम है तो ये हो गया आपका फेस वैल्यू निकालना और प्लेस वैल्यू निकालना ठीक है अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नमरेशन ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म बताऊँगी ठीक है तो उसमें क्या है आपको जैसे यहाँ पर एक डिज़िट डिज़िट दिया हुआ है मिस नंबर दिया है क्या दिया आपका एक फोर फाइव नाइन नाइन सेवन मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बताती हूँ कि अगर आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी करो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी करो आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म को निकालने का प्रोसेस एक ही है ठीक है बस उसको पढ़ने का तरीका अलग 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 होता है उसमें लैग जुड़ जाता है और इसमें मिलियंस जोड़ते हैं ठीक है तो इसमें क्या है फोर्टी फाइव फोर फाइव कॉमन नाइन नाइन सेवन तो ये सब क्या हो गया नाइन नाइन सेवन हमारा वंस पीरियड है और ये हमारा थाउजेंड पीरियड है तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया गया था इसमें आपका सबसे पहले पेस प्लेस वैल्यू क्या होगा फोर है तो फोर के बाद जितने नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कितने ज़ीरो डाले जाते उसी के अकॉर्डिंग ज़ीरो डाले जाते हैं जैसे फोर के बाद यहाँ कितने ज़ीरो आएंगे वन टू थ्री फोर फोर के बाद कितने हैं वन टू थ्री फोर उसके बाद प्लस करके हम फाइव लिखेंगे और कितने ज़ीरो लगाएंगे वन टू थ्री ये देख लिए फिर नाइन के बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे टू ठीक है वन टू फिर ये नाइन के बाद कितने ज़ीरो लगेंगे ज़ीरो नाइन ज़ीरो फिर लास्ट में क्या बच गया सेवन बच गया तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे इसे हम पढ़ेंगे फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी सेवन ठीक है अब इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है सिक्स फोर फाइव कॉमा फोर सेवन नाइन तो ये भी क्या आपका वंस पीरियड और ये हो गया आपका थाउजेंड पीरियड ठीक है तो इसको पढ़ने का प्रोसेस देखते हैं बट मैंने आपको जो नंबर्स दिए ये यहीं कंप्लीट नहीं होता ये मिलियंस में भी आ सकते हैं ठीक है तो हम ऐसे करेंगे कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है सिक्स है तो सिक्स के बाद कितने नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग ज़ीरो लगाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फोर के बाद वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव के बाद वन टू थ्री ठीक है फोर के बाद वन टू सेवन के बाद वन और नाइन क्या है वो नाइन का नाइन लिखेंगे तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सिक्स हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी नाइन ठीक है अब आता है न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इसमें क्या रहेगा इसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही देगा और आपको इसको क्या करना है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनाना है जैसे इसमें क्या दिया है देख रहे हो वन के बाद कितना ज़ीरो है सिक्स ज़ीरो है फ़ोर के बाद फाइव ज़ीरो है सेवन के बाद फोर ज़ीरो एट के बाद थ्री ज़ीरो टू के बाद टू ज़ीरो है नाइन के बाद वन ज़ीरो और यहाँ पे फाइव है तो अब इसको हम कैसे कैसे लिखेंगे यहाँ का वन फिर फोर फिर सेवन एट टू नाइन और फाइव और कॉमा कैसे लगाते हैं थ्री नंबर्स के बाद ठीक है तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे सबसे पहले इसको लिखते हैं ये किसके अकॉर्डिंग आता है ये वंस के अकॉर्डिंग आता है ये हंड्रेड सॉरी थाउजेंड के अकॉर्डिंग आता है और ये मिलियंस के अकॉर्डिंग आता है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे वन मिलियंस फोर हंड्रेड सेवेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी फाइव ठीक है अब ये सेकेंड आपका क्या है टू के बाद फोर ज़ीरो लगा हुआ है सेवन के बाद थ्री ज़ीरो फोर के बाद टू ज़ीरो वन के बाद ज़ीरो और यहाँ सेवन तो हम इसे कैसे लिखेंगे टू सेवन फोर वन ज़ीरो और कॉमा कैसे लगाएंगे? थ्री नंबर्स के बाद और इसे हम कैसे पढ़ेंगे हम इसे पढ़ेंगे ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन ठीक है मैंने आपको अभी ये सब बता दिया जो आपका एक्सरसाइज सिक्स से रिलेटेड है ये क्या है इंटरनेशनल सिस्टम है अब मैं आपको बुक्स में सॉल्व करके बताऊंगी आप उसको कॉपी में लिखोगे बट मैं सभी एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज सिक्स में जो जो दिया उसके मैं आपको टू टू पोर्शन कराऊंगी बाकी आपके होमवर्क होंगे जो आप करोगे ठीक है नहीं करोगे तो फिर आपके पेरेंट्स से कंप्लेन किया जाएगा और ये वीडियो ज़रूर देखना आप लोग देखते नहीं हो बस पीडीएफ देख के उतार लेते हो ओके यहीं आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज सिक्स